गुड मॉर्निंग गाइस, अब निकलेंगे हम जयपुर। जयपुर क्यों निकलेंगे वो तो आपको पता ही है, पीछे वीडियो में बता रखा था यार। ये ब्रिज हटानी पड़ेगी, पहले दिखाता हूँ आपको। इसको निकालने के लिए ये हटानी पड़ेगी पहले। चलो ये हटाते हैं। ये तो मैनुअली खोलनी पड़ती है भाई। चलो बोलो जय श्री राम। इसको तो स्टार्ट छोड़ देते हैं, ब्रेजा लगाते हैं। हैंड ब्रेक अप, इसमें हैंड ब्रेक यहाँ आता है। ये ट्रेन जा रही है गाइस। ट्रेन जा रही है और अपन चल रहे हैं। को वापस लगाते हैं वहीं। ब्रेक हटाओ भाई, फ्यूल भी कमी है इसमें, फ्यूल डलवाना पड़ेगा पहले तो। बोल बजरंग बली की जय। अपन निकल दिया चौमू स्टेशन से। एक सेकेंड, थोड़ा इससे भी जल्दी निकलते हैं ना तो बढ़िया मिलता, क्योंकि अभी तो ट्रैफिक हो जाएगा वापस। कोई नहीं, अपन को डीजल तो डलवानी है तो वहीं से डलवा लेते हैं। आपको अंदर की सिटी वो चौमू दिखा देता हूँ, मतलब अंदर तो कहीं जाऊंगा पर जो धोड़ी मंडी वगैरह है वो तो दिखाई दूंगा। साथ ही में इसकी अपन ट्रिप शुरू करके चलेंगे तो आपको एवरेज भी बता दूंगा मैं इसका, क्या कैसा क्या रहता है। सुबह सुबह जो बच्चे कोचिंग वगैरह स्कूल वगैरह के निकलते हैं तो भीड़ हो जाती है यार, वहाँ थाना मोड़ हो जाती है ज्यादा तो। गला और बैठ गया यार, रात को यार निकल नहीं पाए किन्हीं कारणों से, तो अभी तक तो जयपुर में मजे कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, मजे तो क्या। अभी देखो शॉर्टकट यहाँ से भी है पर गलियों में डालने से कोई मतलब नहीं है गाड़ी को, क्योंकि अभी इतनी इतनी भीड़ नहीं मिलेगी जितनी दिन में मिलती है ना, तो इस वजह से अपन को सही रोड रोड चलते हैं जो मेन रोड जो है, जैसे भी देख लो गाइस। कहाँ कहाँ जा रही है भाई खुदाई करने? नगर पालिका मंडल चौमू।
यहाँ सुबह सुबह मजदूरों की वो है, यहाँ पे मजदूर मिल जाएंगे आपको राउंड गेट पे, वही चीज होती है ना। ये लोंडे मेरे गांव के थे, देख रहे क्या कर रहा है फोन से। अभी जल्दी से वहां पहुंच के इसमें फ्यूल डलवाते पहले, तो फिर थोड़ा कवर करते हैं रास्ता, फिर आपको जयपुर पहुंच के दिखाता हूँ। एक तो टोल दिखा दूंगा आपको और उसके आगे फिर 14 नंबर से आगे दिखा दूंगा थोड़ा। इतनी नहीं है भीड़ जितनी होती है, ये देखो बिना देखे डालते हैं अंदर, बिना देखे। अभी नीचे आएगा फिर लोग बताएंगे ये गाड़ी वाले की गलती है, बाइक वाले तो सही चलाते हैं। यहाँ की क्रॉसिंग आ गई, चलो डायरेक्ट मिलते हैं आपसे पेट्रोल पंप पे। चेक करो इधर सब कुछ है, dress.com, उधर पीटर इंग्लैंड, ये देखो पीटर इंग्लैंड, रेड टेप, फ्लाइंग मशीन भी आ गए, मतलब सब कुछ ही आ गया ऑलमोस्ट। जयपुर की MI रोड है ना ये, चौमू के MI रोड है। देखो इधर देख लो, बार्सिलोना टी बार, चाय सुट्टा बार, बहुत कुछ है यार इधर, अब तो बहुत कुछ हो गया भाई। हॉस्पिटल तो आपको पता ही होगा, अगर जो जो लोग चौमू आए उनको पता होगा चौमू में कितने हॉस्पिटल है, हर गली में हॉस्पिटल है, हर गली में स्कूल हॉस्पिटल हर चीज, लगभग हर चीज मिल जाएगी इधर हर चीज। थोड़े दिन में देखना बहुत लोगों को नीड ही नहीं पड़ेगी जयपुर जाने की, यहीं से सारा काम हो जाएगा। अपन होता है हाईवे में मर्ज थोड़ा सा आगे ही है, वहां से फिर चल लेंगे जयपुर के लिए डायरेक्ट नॉन स्टॉप। एक तो यार इसमें टैक्सी नंबर में है ना, ये कमर्शियल व्हीकल है इसलिए लोग क्या हाथ देते हैं, जैसे आगे आके हाथ देते हैं, सभी बिठा लो, पर यार फिर मतलब नहीं है ना उनको बिठाने से, गंदी करेंगे फिर मेरे को ही साफ करनी पड़ेगी, क्या मतलब है यार फालतू भीड़ भरने से मतलब ही नहीं है ना। क्योंकि जो लोग जो बंदा इस चीज़ के लिए चला रहा है उनके लिए तो अपन उनका मतलब एक तरीके से वही काम ही खा रहे हैं अपन, क्या मतलब है। एयरलाइंस वाले पे डलवा सकते हैं लेकिन हाईवे पे ही डलवाएंगे अब यार, कोई मतलब तो है नहीं। फालतू यहाँ टर्न लूँ, पहले वेट करूँ पीछे से गाड़ियाँ निकले फिर मैं टर्न लूँ, ऐसे बड़े हाईवे पे लेंगे ना मस्त। उतना तो है इसमें, उतना तो क्या इसमें, लगभग ये चली जाएगी जयपुर भी, लेकिन डलवा लेते ना, क्यों रिस्क लेना। ये आ गया इधर, इधर से मर जाएंगे अपन दोनों तरफ देख के, ये कुछ नहीं आ रहा, ले लो भाई लेफ्ट में भी देख लो, नहीं आ रहा भाई कुछ, ले लो। ये अपन सिकर हाईवे वो सिकर रोड पे मिक्स हो गए, मतलब मर्ज हो गए। ये इधर पीछे की तरफ सिकर जा रहा है, आगे की तरफ जयपुर जा रहा है, और खाटू श्याम जी भी इसी रोड पे है, जो लोग आए उनको पता होगा, कभी खाटू श्याम जी भी चलेंगे अपन। वैसे तो मैं जाता रहता हूँ पर कभी ब्लॉक नहीं किया ना उधर का। एक तो थोड़ी झिझक भी तो रहती है यार कैमरा उठा के ऐसे लोग करने में, शर्म आती है एक तो लोगों के बीच में, अभी तो मैं अकेला हूँ इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो अपन इंडियन ऑयल से डलवाते हैं, भारत से डलोगा भारत पेट्रोलियम, चलो इंडियन से डलवाते हैं इंडियन ऑयल। यार मुझे कमेंट करके बता देना कौन सा पेट्रोल पम्प बढ़िया रहता है, मेरे को तो रिलायंस वाला सही लगता है। लेफ्ट की तरफ इंडिकेटर देके लेफ्ट को लेते हैं, इसमें फ्यूल किधर की तरफ है, इसमें राइट की तरफ है। अगर ये जो पेट्रोल का आइकन आता है ना, इसमें नोजल जिस तरफ हो उस तरफ होता है, अगर एरो हो तो एरो की तरफ होता है, तो इसमें अपना नोजल इधर राइट की साइड है तो राइट साइड है। यहाँ अपन को भीड़ भी नहीं मिली ज़्यादा। चलो गाइस मिलता हूँ मैं आपसे पेट्रोल डलवा के। यार
भाई गाड़ी। हेलो राहुल भाई, ले चाबी तो ले ले। मैंने भी स्लीपर डाल ली, चलो वो उतार के शूज। बगंदी हो रही है गाड़ी तो अंदर से। ये देखो खून भरी रोड है, आगे मत किसका देना एक आध गाड़ी को। उधर भाई गंदा ट्रैफिक है इधर। अभी यहाँ से कितना टाइम लगेगा अपन को निकलने में? 20 मिनट लग जाएगी। देखते जाओ गाइस ट्रैफिक देखो आज आप। जी माता जी, देखो बलेनो, देखो बलेनो वाले का जहाँ सर आ रहा है वहां तुम बैठे हैं। भाई तो तेरा लैपटॉप कहाँ है? मेरे को देना थोड़े दिन, दो चार दिन। तू साथ थोड़ी लेके जाएगा ट्रेनिंग पे? नहीं। तो फिर मेरे को दे देना, मैं यार एडिटिंग सीख लूंगा उस पर। जब मैं नया लूंगा ना तब तेरे को पुराना वापस दे दूंगा। देखते हैं क्या पता ले पाएंगे कभी। वैसे नहीं ले पाऊंगा तो तेरी सैलरी में ले लूंगा मैं तो भाई। ये कार्ड एक और वाला है बंद पड़ा अभी तक। खुलवा? अरे आप तो सरकार हो यार, आप खुलवा सकते हो। प्रशासन, ये प्रशासन वाले यार देख लो, यहाँ लगवाओ यार एक आध बंदा। आपके अंडर कितने आएंगे भाई कॉन्स्टेबल? है भाई कॉन्स्टेबल कितने आएंगे आपके अंडर? 20। और वो ऐसे कितने आएंगे? दो। अच्छा, वैसे चौकियाँ भी तो आती है ना आपके अंडर, चौकियाँ आएंगी? नहीं यार ऐसे फिक्स नहीं रहता ना, एरिया बड़ा है, दो तीन आ जाती है। नहीं तो थोड़ा लाउड बोला करो, इसमें आवाज़ नहीं आएगी आपकी, क्योंकि मेरे तो पास है माइक। तो यार पैसे दो यार, बजट नहीं है मेरे पास। आप अपनी सैलरी चालू करवाओ एक बार, जॉब लग वो ज्वाइनिंग करके फिर लेंगे अपन। एक बात है यार, इस गाड़ी में यही फायदा है, कोई ऐसे जल्दी से बीच में भी नहीं आता, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भाई। ये डब्बे तो पिचका देगी आराम से, इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा उससे। बहुत फायदा है यार इसके। अभी मेरे पीछे देखो कितनी भीड़ है, ध्यान कर रही, दिख नहीं रहा होगा। हाँ आप दिख रहा होगा।